I am Mrs. Kumar, working with Roots Education Mumbai branch as a counselor. I have come all the way from Mumbai to see Orenburg students. Do din ho gaye hain yahan Orenburg mein aake. Main yahan pe dekh rahi hu, Orenburg is the very beautiful city. Bahut neat and clean city hai, bahut khulla hai aur hostels bahut hi acche dikh rahe hain mujhe aur bacche bahut satisfied hain. They are feeling ki hum log आपस में गुजराती में महाराष्ट्रियन में पंजाबी में सब ये लोग बात करते हैं और कोई भी ऐसा फीलिंग मुझे नहीं आई कि ये अपने घर को मिस करते होंगे या दे आर स्टडिंग वेरी वेल जो कि रशियन में भी पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा पढ़ाया जाता है डे टू डे लाइफ के लिए स्टडी सिखाई जाती है और इंग्लिश में उनकी पूरी स्टडीज़ है जो कि MBBS की स्टडी करने ये बच्चे आए हैं. So, मेरी फीलिंग ये है कि ओरेनबर्ग इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पे हमारे बच्चों को न्यू बच्चों को भी आते रहना चाहिए और सिटी के अकॉर्डिंग आई फील दिस इज़ द बेस्ट वन. मैंने जहाँ पे नोटिस किया है पूरे इंडिया से बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे हैं गुजरात के महाराष्ट्र के पंजाब से यूपी के तो इन सब बच्चों से हमें मेरे साथ जो कुछ बच्चे हैं मैं ये जानना चाहूँगी कि उनको कैसी फीलिंग आ रही है. तो अभी मेरे साथ एक स्टूडेंट है आपका क्या नाम है? मारू नाम गोपी है. तो गोपी आप कौन सी स्टेट से जहाँ पे आए हुए हैं? हूँ गुजरात थे छो. ओ गुजरात से आए हो आप. तो आपको गुजरात से जहाँ पे आके कैसा लग रहा है? कुछ अलग लग रहा है? कुछ मिस कर रहे हैं आप? स्टार्टिंग में वो अलग लगे तो पण हवे अलग नहीं लगत कारण के बधा गुजराती मिक्स थया अमे बारना बीजा स्टेट्स ना स्टूडेंट्स आया बधा तो हवे नॉर्मल थई गयो छे बधु. तो आपको यहाँ पे स्टडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है? ना स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए बिकॉज हमारा टीचर जे छे ए पण इंग्लिश में बात करे हमारी जोड़े एटले एटलो बधो प्रॉब्लम नहीं आवतो. और खाना जैसे आप तो वहाँ पे गुजराती खाना तो बहुत फेमस है इंडिया में तो आपको यहाँ पे कुछ खाना मिस करते हैं या मेस से खाते हैं या खुद बनाते हैं? जमवानो तो बहुत मिस करिए पर जाते पर बनाई लिए मेस पन छे पर हमारे जो खाव हुए थे हमें जाते बनाई लिए. सो तो अभी आप एंजॉय करते हैं जहाँ पे रहना खाना और हॉस्टल? हॉस्टल कैसा फील करते हैं? हॉस्टल में आवीने अंदर आवीने एवं लगे कि ना इंडिया में आई गया हो आपणे. तो जैसा कि मुझे फील हुआ है मुझे ऐसे लगा है कि गोपी भी ऐसा ही फील कर रही है. तो अभी हम कुछ और बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि क्या वो सेम फील कर रहे हैं जो गोपी ने फील किया है. अभी गोपी के बाद हमारे साथ दो स्टूडेंट्स और हैं तो हम जानते हैं कि ये कहाँ से हैं. आपका नाम क्या है बेटा? जी हम मेरा नाम कल्याणी है. मेरा नाम अंजुमन है. तो कल्याणी और अंजुमन आप कहाँ से आए हैं ओरेनबर्ग में पढ़ने? महाराष्ट्र से है. ओ महाराष्ट्र से आए हो आप. तो महाराष्ट्र कुछ महाराष्ट्रियन लैंग्वेज या कुछ फूड आप मिस करते हैं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं आम्ही स्वतः करतो इथे इथे सामान मिळतं त्यामुळे आम्ही करू शकतो आणि खाऊ शकतो त्यामुळे मिस करण्याचा नाहीच आहे तिथे. आणि पार्सल पण येतो त्यामुळे काय फरकच नाही पडत. इंडियन पार्सल इथं 15 दिवसात येतं आणि काय मम्मी जे पण बनवते सगळं भेटतंय मला इथे काय टेन्शन. तो आपने देखा है कि महाराष्ट्र से आके भी बच्चे हमारे यहाँ पे इतने सेटिस्फाइड हैं और आपको यहाँ पे स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है? तुमचा अभ्यास कसा आहे? तुमचा अभ्यास कसा आहे? आमचा अभ्यास भरपूर छान आहे. आम्हाला इंग्लिश येतं. इंग्लिश येतं आणि लेक्चरर सर इंग्लिशमध्ये सांगतात तर काय टेन्शन नाही आणि आल्यानंतर सगळं त्यांनी रशियन शिकवतात आम्हाला तर काही प्रॉब्लेम नाही होत. तुमचं जेवण कसं आहे? आम्ही स्वतः करतो आणि इथे सगळं सामान मिळतं आणि इंडियन मेस पण आहे तिचं पण जेवण खूप छान आहे. हो सगळं मिळतं बनवून खातो सगळं काही टेन्शन नाही. सगळे फ्रेंड्स पण चांगले आहेत. महाराष्ट्रमधून खूप फ्रेंड्स आहेत. सगळे आम्ही मिळून जुळून राहतो. तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के और बच्चों को भी यहाँ पे ओरेनबर्ग में आके पढ़ना चाहिए ना? हाँ इंडियामध्ये तर चान्स भेटत नाही तर इकडे येऊन करू शकतात. म्हणजे इकडे स्टडीज चांगले आहे इंग्लिशमध्ये आहे आणि इथे सगळे सोबत राहणारे पण आहे महाराष्ट्रीयन तर आपल्याला असं वेगळं वाटत नाही तर येऊ शकतं. तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है. मैं यही चाहूँगी कि आप बहुत अच्छे से जहाँ पे स्टडीज़ करके अच्छे डॉक्टर आप बन के महाराष्ट्र में आके अपना नाम रोशन करें. ऑल द बेस्ट कल्याणी एंड अंजुमन. थैंक यू.
एक और स्टूडेंट है, हम जानते हैं ये कहाँ से हैं। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम पूनम है, तो मैं पंजाब तो हाँ। तो मैनू यह जान के बड़ी खुशी हुई कि तुसी पंजाब तो हो, तो किस तरह लग रहा है तुम इतने ओरनबर्ग पढ़ के? चंगा लग रहा है, ऑल फैसिलिटीज है इधर। तो पढ़ाई कोई मुश्किल तो नहीं आती क्योंकि तुसी पंजाब तो हो, तो पंजाब दे विच ते ज़्यादा इंग्लिश भी घट ही बोलते हैं, तो मुश्किल तो नहीं आई कोई स्टडी वास्ते? ना ना जी, कोई मुश्किल नहीं है, तो इधर सारा मटीरियल इंग्लिश पढ़ाते सू। इत तो खाने पीने का या किसी तरह की कोई सुविधा तो नहीं है, या तुसी खाना किस तरह खाते हो? सारी फैसिलिटीज हैगी है, तो मैस भी है इधर, तो असी आपे भी बना के खा लेंगे, तो जे जेड़ा असी खाते हैं घर वो हो जाए फूड बना के खाते हैं। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप भी अच्छे डॉक्टर बन के जाओ। दिस इज माई बेस्ट विशेज टू यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू।